कंसेप्ट अकेडमी। तो आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और मैं पहले इस टाइप के बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन आजकल ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूँ क्या, कि अगर जब भी आपको एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू माइनस वन दिया हो, तो आप एक्स की क्यूब बराबर वन लोगे, और जब भी एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू वन दिया हो तो एक्स की क्यूब माइनस वन लेंगे, ठीक है ना। ये हम एलजेब्रा में बता चुके हैं, अगर हम ये एलजेब्रा में बता चुके हैं, और पता है ये चीज बहुतों ने बता चुकी है, ठीक है ना, लेकिन किसी ने एक्सप्लेन नहीं की है। तो अगर आप चाहते हो मैं एक्सप्लेन करूं, तो मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे फिक्स आते हैं। तो हमें ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से एक्स की थ्री किसके इक्वल होगा, वन के। तो जो गिवन पावर्स होता है एक्स का, उसे एक्स की पावर थ्री में ब्रेक करना है। तो देखो, x की पावर 2022 गुणा x की पावर 1, लिख सकता हूं मैं x की पावर 2023 को, क्यों? क्योंकि पावर्स ऐड होती है, ये आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 2022 को 3 से अगर डिवाइड कर दें, 3 6 18, 2 3 7 3 4 था, यानी कि 3 के टेबल में डिवाइड हो जाता है। फिर मैं इसको लिख सकता हूं x की पावर 3, x की पावर 3 की पावर 6 74 मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना। तो मैंने इसको लिख दिया एक्स की पावर थ्री की पावर 674 मल्टीप्लाई एक्स, और नीचे एक्स की पावर थ्री की पावर 674 मल्टीप्लाई एक्स, और एक्स की पावर थ्री किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस वन के इक्वल है। तो एक्स की पावर थ्री वन, तो वन की पावर कुछ भी आएगा तो वन ही आएगा, वन मल्टीप्लाई एक्स प्लस नीचे ये भी वन आएगा, वन की पावर कुछ भी वन मल्टीप्लाई एक्स, तो x प्लस वन बाय एक्स, और x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वन, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, माइनस वन, यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आएगा, माइनस वन। समझे आप? अगर आपने इस चीज को ग्रैब कर लिया, इस चीज को पकड़ लिया, तो ये आपके लिए 4 से 5 सेकंड का आंसर है, और मैं कहूं 1 से 2 सेकंड का आंसर है। कैसे? देखने वाला ये देखेगा कि यहां पे x की 2022 और x बचेगा, यहां पे भी बचेगा x की 2022 और x बचेगा, ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का मल्टीपल और x की पावर 3 का इवन मल्टीपल आएगा, तो ये 1 आएगा, क्योंकि 1 का तो 1 ही रहेगा, ऑड आएगा तब भी 1 रहेगा। तो यहां पे सिर्फ x बचेगा और यहां पे भी सिर्फ x बचेगा। तो देखने वाले को पता चला कि x प्लस 1 बाय x ही बचेगा, और उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वन। तो इस तरीके से अगर करोगे तो विद इन 4 to 5 सेकेंड आप इसका आंसर निकाल पाओगे, और अगर सॉल्व भी करोगे तो 10 से 15 सेकेंड में इसका आंसर निकाल दोगे। इसी तरह के खूबसूरत कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।